बारवाड़ी मेटी आप देख रहे हैं। राजस्थान में आंधी बारिश से तबाही का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी कर दी है। चेतावनी क्या है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, नागौर में आंधी के साथ आई तूफानी बारिश ने 7000 से अधिक बिजली के पोल उखाड़ कर रख दिए हैं। जगह जगह सड़कों पर बिजली के पोल बिखरे पड़े हैं। इनको देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। तूफान ने कितनी भयंकर तबाही मचाई है आप सभी को पता है, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट है वह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक और नया अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते 28-29 मई राजस्थान पर भारी रहेंगे। 30 और 31 मई को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि 31 मई तक अब प्रदेश में मौसम आंधी और बारिश से युक्त रहेगा। अगले 3-4 दिन भारी बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि होने की पूरी संभावना है। और आपको बता दूं, यह जो 28 मई को फिर से एक जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, ऐसे में एक बार फिर से हवाओं की गति तूफानी हो सकती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वैसे आपको बता दूं, प्रदेश में 2 दिनों से तूफानी हवाओं और अंधड़ ने तबाही मचा कर रख दी है। प्रदेश में गुरुवार रात तक 17 लोगों की जान चली गई है। कई जिलों के लोगों को तूफानी हवाओं ने झकझोर कर रख दिया है। प्रदेश के कई जिलों में तो विद्युत तंत्र पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है और आने वाले 2-3 दिनों तक यह आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसीलिए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आंधी के वक्त लोग घरों से बाहर निकलने से बचे। वैसे आज भी प्रदेश के कई जिलों का मौसम बिगड़ गया है। प्रदेश के कई जिलों में तेज धूल भरी आंधियों का दौर जारी है। मौसम ने भयंकर कहर बरपा रखा है। और अब बड़ी अपडेट ये है, मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 31 मई तक अंधड़ और बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जगह ओले गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। तो ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि जब भी खराब मौसम हो तो घर से निकलने से बचे और पेड़ों की शरण न ले। और जिनके कच्चे मकान है, टिन टप्पर है, उन लोगों को ऐसे समय में काफी सावधानी बरतनी चाहिए और अपने पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर बांधे, क्योंकि ऐसे समय में बिजली के पोल, बड़े बड़े वृक्ष गिरने की संभावनाएं अधिक रहती है। आने वाले 3-4 दिन काफी ज्यादा सावधानी और सतर्कता बरते, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी रह सकते हैं। सुरक्षित रहे, सावधान रहे। वैसे मौसम विभाग से आगे जो भी नई अपडेट या नई जानकारी सामने आती है तो मैं सरल भाषा में अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।